फिल्मी पर्दे पर किसिंग या इंटीमेट सीन फिल्माने के कई तरीके हैं जो बॉलीवुड में अलग अलग टेक्निक की मदद से फिल्माए जाते हैं। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, एक्टर या एक्ट्रेस अब ऐसे सीन्स में सीधे इन्वॉल्व होना ही पसंद करने लगे हैं। इसी चक्कर में कभी कभी सेट पर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ता है। खासकर इंटीमेट सीन्स फिल्माते वक्त मेल स्टार्स को काफी कॉन्शियस रहना पड़ता है, जिसमें ही तो है कब बहक जाए कहना मुश्किल है। हाल ही में फिल्म जेंटलमैन के सेट पर जैकलिन फर्नांडिस और सिद्धार्थ मल्होत्रा किसिंग सीन्स करते समय इतने मगन हो गए कि डायरेक्टर के बार बार कट करने के बावजूद एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अब इस किसिंग सीन को फिल्म की मेन यूएसपी बनाकर पेश किया जा रहा है। दोनों की निजी केमिस्ट्री इतनी गहरी हो चुकी है, शायद उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार ऐसा भी हो चुका है जब इंटीमेट सीन के दौरान बहक चुके को-स्टार से खुद को बचाने के लिए अभिनेत्रियों को मशक्कत करनी पड़ गई। 60 के दशक में आई फिल्म द गोल्ड मेडल, जिसमें जितेंद्र, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेमनाथ और फरियाल और राखी गुलजार जैसे स्टार थे। प्रेमनाथ इसमें एक विलेन का रोल निभा रहे थे। सीन के दौरान उन्हें फरियाल के साथ जबरदस्ती करते हुए उन्हें सोफे पर पटकना था। सीन फिल्माते समय प्रेमनाथ ने अपना आपा खो दिया और हीरोइन के साथ रियल में जबरदस्ती करने लगे। प्रेमनाथ फरियाल को बाहों में जकड़े हुए सोफे से नीचे आ गए और छोड़ने को तैयार ही नहीं हुए। ये देख एक्ट्रेस चौंक गईं, क्योंकि ऐसा तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। इसी तरह काफी मिनट निकल गए, लेकिन कट बोलने के बजाय निर्देशक और जितेंद्र खूब हंस रहे थे और चुटकी ले रहे थे। ये देख फरियाल गुस्से से लाल हो गईं। अगर फरियाल ने भागकर खुद को बचाया नहीं होता तो प्रेमनाथ वाकई उनके साथ कुछ कर बैठते। अभिनेता विनोद खन्ना के बारे में कहा जाता है कि वो इंटीमेट सीन करते समय इतने बेकाबू हो जाते थे कि उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिल्म दयावान के दौरान माधुरी दीक्षित के साथ किसिंग सीन देते हुए विनोद खन्ना इतने बेकाबू हो गए थे कि माधुरी के होठ ही काट लिए। फिल्म रिलीज होने के बाद इस सीन के लिए माधुरी की खूब आलोचना हुई। माधुरी से पहले खन्ना की इस आदत का शिकार डिंपल कपाड़िया भी हो चुकी थी। ऐसा ही एक सीन करना था फिल्म प्रेम धर्म का। ये वही दौर था जब विनोद खन्ना के सितारे बुलंदियों पर थे और वो डबल शिफ्ट में काम करते थे। इस वजह से महेश भट्ट ने इस सीन के लिए रात का वक्त चुना। जैसे ही महेश भट्ट ने शुरू करने को कहा, विनोद ने डिंपल को कसकर पकड़ लिया और उन्हें बेतहाशा चूमने लगे। महेश भट्ट के बोलने के बावजूद भी विनोद लगातार डिंपल को जकड़ कर किस करते रहे। इस सीन के बाद डिंपल काफी डर गई थी और खुद को किसी तरह विनोद से छुड़ाते हुए भागकर मेकअप रूम में छिप गई। इस घटना के बाद डिंपल विनोद से काफी नाराज थी। बाद में उन्होंने सीन को करने से इनकार कर दिया। तब महेश भट्ट ने डिंपल के पास जाकर उनसे माफी मांगी। ऐसा ही एक वाकया माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के दौरान घटित हुआ। इस फिल्म में अभिनेता रंजीत और माधुरी के बीच रेप सीन फिल्माया जाना था। सीन के दौरान रंजीत बहक गए और उन्होंने माधुरी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, जिससे नाराज माधुरी ने रंजीत के साथ शूट करने से ही इनकार कर दिया। बाद में उन्हें समझा बुझा कर शूट के लिए राजी किया गया। किसी फिल्म में जया प्रदा और अभिनेता दिलीप ताहिल के बीच छेड़छाड़ का सीन फिल्माया जाना था। शूट के दौरान ताहिल ने जया प्रदा को वाकई छेड़ दिया और उनसे बुरी तरह लिपट गए। नाराज जया प्रदा ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर दिलीप ताहिल को समझाया, ये रियल नहीं बल्कि रियल लाइफ है।